नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा एक बार फिर से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। शेयर आज 5% के सर्किट पे लग गया है, बढ़िया तेजी बन रही है। इसी के साथ स्टॉक का प्राइस दोबारा से 231 रुपए के भाव पे आ गया है। इसी भाव से मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था कि खरीदना शुरू करो। इनफैक्ट मैंने आपसे 224 रुपए में पहली बार बोली थी, बट यहां मैंने आपसे कहा था कि बेचना नहीं है। जिसने भी खरीदा उसने मोटा पैसा बना लिया है। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में अगर आपको 10% से ज्यादा के रिटर्न्स मिल जाए तो वो मेरे लिए मोटा पैसा ही होता है। यानी कि 2-3 ट्रेडिंग सेशन में 10% के रिटर्न पूरी बैंक आपको पूरी साल में एफडी करने पे 6.5-6.5% रिटर्न देती है। यहाँ पे 3 दिन में 10% रिटर्न मिल जाए तो अपने आप में बड़ी खुशी होती है। सबसे पहले तो हमारा व्यू एकदम ठीक पड़ा है और जो लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रही है उनका भी एकदम सही सटीक व्यू बना है। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है इसको समझिए। सबसे पहले तो जियो फाइनेंशियल के स्टॉक की बात की जाए तो 231 रुपए के लेवल्स पे स्टॉक आके खड़ा हो गया है आज के सेशन में आपके लिए और 5% का सर्किट लगा दिया है। कल स्टॉक के लिए एक बड़ी खबर आई कि प्रमोटर एंटिटी जामनगर यूटिलिटीज जो है 5 करोड़ शेयर्स खरीदते हुए दिखे हैं। उससे पहले यानी कि आप मंडे की बात करें तो मंडे को मोतीलाल ओसवाल की तरफ से 3.72 करोड़ शेयर्स की बाइंग की खबर आई। मोतीलाल ओसवाल खरीद रहा है, प्रमोटर ग्रुप खरीद रहे हैं जियो फाइनेंस के स्टॉक को, तो फिर आप लोगों को डबल कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए। अब मेरा तो सिंपल सा व्यू जियो फाइनेंस के स्टॉक को लेकर है, पॉजिटिव बने रहिए, होल्ड कीजिए। क्या अभी फ्रेश एंट्री ले सकते हैं? क्योंकि पहली बात तो आप ले नहीं पाओगे क्योंकि अपर सर्किट पे है। अगर आप खरीदने जाओगे तो आपको मिलेगा नहीं शेयर। अगर आप बेचना चाहते हो तो बिक जरूर जाएगा, क्योंकि जब अपर सर्किट पे होता है तो कोई खरीद नहीं पाता है, लोअर सर्किट पे कोई बेच नहीं पाता है। कुछ कमेंट्स ये भी रहते हैं जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, भाई ये सर्किट क्या होता है। एक स्टॉक की लिमिट होती है कि आज स्टॉक इतना बढ़ सकता है, या वो 5% होती है, 10% होती है, या 20% होती है। FNO यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं, जो डेरिवेटिव मार्केट में है, उनकी कोई लिमिट नहीं होती है। सर्किट होता है 20% का, 10% का। सर्किट लगने के 15 मिनट बाद वो सर्किट फिर 5% के लिए खुल जाता है। तो FNO वाले शेयर्स में तो दिन के दौरान डबल भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, वैसे ऐसे होता नहीं है। जी एंटरटेनमेंट एक बार जरूर 50% बढ़ गया था इंट्राडे में, बाकी ज्यादा कुछ मैंने मूव देखे नहीं है। और जो कैश मार्केट में, जो डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड नहीं करते हैं, उनकी एक लिमिट होती है, या तो 5% का सर्किट होता है, या 10% की हो सकती है लिमिट, या 20% की। जो भी लिमिट है स्टॉक की, उस लिमिट पे अगर आ जाता है स्टॉक तो सर्किट लग जाता है, यानी कि अब कोई खरीद नहीं सकता। फिर जब कोई सेलर ज्यादा आएंगे तो वो फिर स्टॉक ओपन हो जाएगा। जियो फाइनेंस के स्टॉक की बात किया तो 1,50,000 करोड़ का मार्केट कैप दोबारा पहुंच गया इस कंपनी का, जहां पे मेरे को लगता है अब दोबारा फ्रेश एंट्री के लिए सही समय नहीं है। फ्रेश एंट्री के लिए जो सही समय था, मैंने आप सभी के साथ दबा के खरीदने को बोला, अपने इंस्टाग्राम पे भी बोला, यूट्यूब वीडियो में भी बोला, और ये भी बोला कि ये यहां से डबल हो जाए तो मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा, और मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि ये स्टॉक दोगुना तो होगा ही होगा। इसके पीछे के 2-3 मेरे बड़े कारण है। पहला, रिलायंस ग्रुप कह रहा है कि हमने 6.1% इक्विटी डीमर्ज करी है जियो फाइनेंशियल के रूप में, जिसकी वैल्यू निकल के आती है 1,20,000 करोड़। 1,30,000 करोड़ पे आपको शेयर मिल रहा है, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप जियो फाइनेंशियल का है। ठीक है, कंपनी का कारोबार बहुत छोटे लेवल पे, आपने मार्केट कैप बहुत छोटा दे दिया, लेकिन क्या कारोबार यही रहने वाला है? ये कोई छोटी कंपनी नहीं है, ये बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत बड़े नाम वाली कंपनी है। जहां पे मुकेश अंबानी जी का नाम जुड़ जाए, मोटा भाई का नाम जुड़ जाए, वहां पे छोटे लेवल पे काम नहीं होता। कंपनी ने पहला मर्जर जो करा, पहला ज्वाइंट वेंचर जो करा, वो ब्लैक रॉक के साथ करा, जो कि अपने फील्ड की दिग्गज कंपनी है। ब्लैक रॉक की बात की जाए तो AMC के मामले में, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। ब्लैक रॉक जितना एसेट हैंडल करती है ना, उतनी भारत की GDP नहीं है। लगभग $9.6 ट्रिलियन का ब्लैक रॉक का एसेट मैनेजमेंट है, और भारत की टोटल GDP आप देखें तो 3.5 ट्रिलियन डॉलर की है, यानी कि 3 गुना कह सकते हैं आप, इन शॉर्ट 2.5 गुना तो कह ही सकते हैं। तो पहला ही जॉइंट वेंचर बड़ा है, NBFC में कारोबार है, NBFC के लिए पैसा चाहिए होता है, कंपनी के पास इक्विटी के रूप में इतना पैसा है कि वो किसी भी बैंक को गिरवी रखेगी ना तो बहुत सस्ते ब्याज पे उनको बड़ा पैसा मिल जाएगा जो वो लैंड कर सकते हैं आगे चलकर। तो मेरे को लगता है ये स्टॉक एक वैल्यू क्रिएट कर सकता है आपकी। स्टिल मैं यही कहूंगा, निवेशित रहें और कोई गिरावट आती है लेने के मौके ढूंढें। 1,47,800 करोड़ का करंट मार्केट कैप है, अब 30,000 करोड़ पे कंपनी के वैल्यूएशन ट्रेड कर रहे हैं, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं भाई इसका स्टॉक का PE 5,900 का है। देखिए, वो आपको दिख इसलिए रहा है क्योंकि अर्निंग कुछ नहीं है ना अभी कंपनी की। 300 करोड़ की टोटल सेल है, 150 करोड़ का टोटल प्रॉफिट है, तो उसमें अर्निंग पर शेयर कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए इतना महंगा हो गया ये शेयर 250 रुपए के हिसाब से भी। लेकिन ये जिस हिसाब से ग्रोथ करेगा तब आपको दिखेगा कि ये PE नीचे आएगा, प्लस इक्विटी की वैल्यू भी इसमें इंक्लूडेड है।
1,20,000 करोड़ की जो इक्विटी है वो इस पीई में इंक्लूडेड है, प्राइस में इंक्लूडेड है। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से आपको पीई महंगा दिख रहा है, अदरवाइज पीई भी इसका नॉर्मल ही आपको दिखेगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी जानकारी, होप आपको ये सारी जानकारी पसंद हो, समझ दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।